हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। आज मैं लेकर आई हूँ दाल मखनी की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है राजमा 2 टेबलस्पून, चने की दाल 2 टेबलस्पून और लिया है 1 कप काली उड़द की दाल। और इसे हम अच्छे से पानी से धोकर ओवरनाइट सोक करने के लिए इसे हम भिगो देंगे। अगर आपको सुबह बनानी है तो आप रात भर भिगोए, अगर आपको रात में बनानी है तो आप इसे अर्ली मॉर्निंग सुबह भी भिगो सकते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटा इसे भीगना जरूरी है। मैंने इसे अगले दिन लंच में बनाया, इसलिए मैंने ओवरनाइट सोक किया। और देखिए राजमा जो है कितने अच्छे से हाथों से दबाने से ही टूट जा रहा है और दाल भी। अब इसे हम बॉयल करेंगे। एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें डाला 1 कप पानी। साथ में डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता, 2-3 टुकड़ों में दालचीनी और 2 बड़ी इलायची और 7 से 8 लौंग। साथ में हम डालेंगे ओवरनाइट सोक्ड दाल, राजमा, ये सभी को हम डालकर इसमें वापस 1 कप और पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कुकर को बंद करके हम इसे 7 से 8 सीटी आने के लिए गैस पे लो फ्लेम पे हम इसे चढ़ा देंगे ताकि दाल अच्छे से इसकी गल जाए। और दाल मखनी की स्पेशलिटी यही होती है कि इसे जितना अधिक चूल्हे पे रखकर कढ़ाया जाए वो उतना ही स्वादिष्ट बनता है। 8वीं सीटी होने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया और कुकर को ठंडा करके अब मैं खोल के देख लेती हूँ। तो देखिए ये जो दाल है काफी अच्छे से गल गई है, इसमें एक्स्ट्रा पानी कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया ताकि सारा कुकर अच्छे से धो के दाल पूरी निकल जाए। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। ये दाल बहुत ही अच्छे से गली है, इसे हमें बहुत ज्यादा कढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली दाल मखनी जो है वो चूल्हे पे रखकर धीरे धीरे इसे जितना कढ़ाया जाता है वो उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़े टमाटर, इसे पीसना है। यहाँ लिया है 1 छोटा सा प्याज और अदरक 1.5 इंच और 4-5 हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, और लहसुन लिया है यहाँ पर 10-12 टुकड़े, और यहाँ पर अदरक को मैंने थोड़ा सा जूलियंस काट के रखा हुआ है। अब टमाटर को मैंने बारीक काट कर इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल स्मूथ एक पेस्ट बना लूंगी। साथ में यहाँ पर ऐड करूंगी मैं जिंजर और गार्लिक, अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसे एक स्मूथ पेस्ट बनाकर हम अलग रख देंगे। देखिए इस तरह से पेस्ट तैयार है। अब बारी आती है प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया और इसका भी मैं एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। अब एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें डाल रही हूं मैं 1/2 बटर, क्योंकि इसमें दाल मखनी में जो स्वाद है वो बटर से ही आता है। आप चाहे तो यहाँ पर घी या सफेद तेल भी यूज कर सकते हैं। तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए, इसे जलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डालेंगे ऊपर से 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका कलर जो है बिल्कुल लाल आए। डाल दिया मैंने ऊपर से पिसा हुआ प्याज और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज से तेल ना छूटने लगे। इसे मैंने खोलकर ढककर थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब देखिए हमारा प्याज अच्छे से भूनकर तैयार है। इसे थोड़ी देर और भूनूंगी जब तक इसमें से तेल ना छूट जाए। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी अच्छे से कुक हो गया है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो चुकी है। अब हम इसमें मिलाएंगे पिसा हुआ टमाटर, इसे भी खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जब तक टमाटर का कच्चापन ना निकल जाए तब तक हम इसे इसी तरह भून लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा कवर करके भी इसे भून सकते हैं ताकि ये ऊपर न छीटे। और देखिए देखते ही देखते हमारा टमाटर भी अच्छे से पक गया है। अब मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड हमारा जो दाल था, इस दाल को मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी और इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी कश्मीरी मिर्च मैंने ज्यादा डाली है क्योंकि दाल वैसे थोड़ी काली होती है तो इसे कलर जो है लाल लाल कलर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में अच्छा दिखता है इसलिए। और ये वाटी को भी मैंने धोकर जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। एक्चुअली ये दाल बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होती है, थोड़ी पतली
हो तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे व्हाइट स्टीम राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, लच्छा पराठा, नान, रोटी, फुलके, किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी दाल तैयार ही है। इसे इस बार हमें ज्यादा कढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी कुकर में पहले ही मैंने इसे काफी गला लिया था। अब डालेंगे कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस। उसमें मैंने डाला है 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। नमक जरूर टेस्ट कर ले। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर, अगर आपके पास है तो डाले, नहीं तो स्किप कर दें। मैं यहाँ पर थोड़ा पानी और मिला रही हूँ क्योंकि ये जो दाल है काफी गाढ़ी हो जाती है जैसे जैसे ये पकने लगता है। सौंठ पाउडर के साथ ही मैंने मिलाया यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, और इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब बारी आती है यहाँ फ्रेश क्रीम मिलाने की। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप क्रीम लिया था। फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पर मिक्स किया जो कि दाल मखनी की जान है। तो हमारा दाल मखनी रेडी हो गया। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बनाने में देखा आपने जितना आसान है, ये खाने में उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है और ये हर किसी को बहुत ही पसंद आती है। पंजाब की ये खास रेसिपी, ये मेरी सबसे फेवरेट है। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं क्रीम के साथ और अदरक के जूलियंस के साथ और थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ। तो अब मैं लंच सर्व कर लेती हूँ। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये गरम गरम स्टीम राइस के साथ जितना अच्छा लगता है, उतना ही तंदूरी रोटी, पराठा, लच्छा पराठा के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो नए फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।